हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग रेजर पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो के ऊपर बात करेंगे कि कैसे आप लोग रेजर पे के ऊपर अपना पेमेंट गेटवे का अकाउंट बना सकते हैं और वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप रेजर पे को यूज करते हैं तो QR कोड आपको मिल जाता है, POS सिस्टम मिल जाता है जिसको आप किसी भी शॉप पे या फिर मॉल के अंदर लगाकर आप पेमेंट यूजर से ले सकते हैं। तो बहुत एक वास्ट वेराइटी के जो ऑप्शन है वो आपको रेजर पे के ऊपर देखने को दोस्तों मिल जाते हैं। और अभी हम लोग 2024 के मिड में आ चुके हैं, जुलाई का महीना चल रहा है और बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो रेजर पे के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके वजह से यूजर्स के जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं और रीजन दे रहा है रेजर पे कि हम आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप कैसे रजिस्ट्रेशन को फॉलो करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हो सकती है और क्या है रेजर पे, आइए देखते हैं और लेकर चलते हैं आपको हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। बट बिफोर दैट, चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हैं, अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइए और फॉलो कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रेजर पे का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर और razorpay.com की ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है। तो एक इजी वे में अगर हम जानने की कोशिश करें कि रेजर पे एग्जैक्टली है क्या, तो रेजर पे एक ऐसा मीडियम है जो आपके बिहाफ पर यूजर से पेमेंट लेकर आपके बैंक अकाउंट में डालता है, यानी कि एक पेमेंट गेटवे है जहां पर यूजर जब पे करने जाता है आपकी वेबसाइट से एप्लीकेशन के ऊपर तो रेजर पे आपके बिहाफ पर आपके पेमेंट को लेता है और आपके बैंक अकाउंट में डालकर दे देता है। उसके बिहाफ पर कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन जो है वो चार्ज करता है, जो कि 2% का फ्लैट कमीशन रेजर पे के ऊपर देखने को मिलता है और इसके ऊपर 18% की GST, जो 2 रुपए कटेंगे उसके ऊपर 18% की GST भी आपकी लगेगी। तो रेजर पे एक बहुत ही अच्छा और नंबर 1 पर चल रहा है पेमेंट गेटवे इंडिया के अंदर। कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, चलिए लेकर चलते हैं आपको सीधे हमारे पैनल के ऊपर। तो एक लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगी, उस लिंक को जरूर ओपन कीजिएगा और उसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कीजिएगा। चांसेस कम है कि आपके एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होंगे। तो एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन करना हो, वेबसाइट को रजिस्टर करना हो, तो रेजर पे की रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे लिंक को कॉपी जरूर कीजिएगा। तो जैसे लिंक को आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे आपका मोबाइल नंबर यहां पर मांगेगा, तो हमें अपना मोबाइल नंबर यहां पर एंटर कर देना है। जैसे ही आप OTP को यहां पर एंटर कर देंगे तो अगला पेज की तरफ ये प्रोसीड कर जाएगा, जहां पर ये आपसे आपका नेम पूछेगा। तो आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर नाम लिखा होगा, यानी कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर जो आपके नाम मेंशन है, वो आपको एग्जैक्टली यहां पर कैपिटल लेटर में एंटर करने हैं। जैसे आप अपने नाम को एंटर कर लेंगे देन कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर लीजिएगा और देन ये आपके नेक्स्ट पेज के तरफ ये मूव कर जाएगा और ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर चलता रहेगा कि आपने कितना परसेंट जो है वो लेवल क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ पर पूछेगा कि आपको कहाँ पर रेजर पे का इस्तेमाल करना है, ये वाला पार्ट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पार्ट के वजह से आपका जो रिजेक्शन है मैक्सिमम वो देखा जाता है। देखिए, अगर आप एंड्रॉयड ऐप पे यूज करना चाहते हैं रेजर पे का या फिर अपने iOS ऐप के ऊपर अपने इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो वेबसाइट की जो की होती है हमारी API की और सीक्रेट की, सेम की आपकी जो है वो ऐप पे भी वर्क करेगी, सेम की आपकी जो है वो आपके iOS ऐप के ऊपर भी वर्क कर जाएगी। तो कई बार यूजर्स क्या करता है कि दोनों को चूज कर लेता है और जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पाता और रिजेक्शन हो जाता है। तो हम आज के केस में क्या करेंगे, ऑन माय वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूंगा और नीचे हमारे जितने अदर ऑप्शंस हैं इन सारे ऑप्शंस को हम क्लिक कर लें, क्योंकि यूजर्स को कभी ना कभी किसी ना किसी वे में इसकी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपको लिंक भेजना हो किसी से पेमेंट लेने के लिए, किसी को इनवॉइस जनरेट करना हो, या फिर फ्यूचर में आपको अपने कोचिंग सेंटर्स के लिए या फिर अपने मॉल्स या शॉप्स के लिए स्वाइप मशीन की जरूरत पड़े, जिसकी आपको POS भी हम लोग कहते हैं, तो वो आप यहां पर क्लिक कर लीजिएगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर कोई अदर यूजेस है तो वो भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे आपका वेबसाइट का डिटेल मांगेगा। अगर आप यहां पर ऐप भी चूज करते तो नेक्स्ट पेज पे आपसे ऐप का डिटेल मांगता, लेकिन अभी हमारे केस में यहां पर वेबसाइट की डिटेल्स मांग रहा है, तो हम यूजर्स की जो वेबसाइट है उसका URL जो है वो यहां पर एंटर कर देंगे। और अगर आपके पास अभी करेंटली वेबसाइट नहीं है तो ऐड लेटर का बटन भी दिया है, लेकिन सजेस्ट करूंगा कि अगर वेबसाइट नहीं है तो ये जो प्रोसेस है वो पूरा मत कीजिएगा, यहीं से बैक कर जाइएगा क्योंकि ये रिजेक्ट कर देगा इस केस में। हम देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पर और ये जो वेबसाइट है यूजर की वो आप यहाँ देख सकते हैं ओपन हो चुकी है और ये एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूजर जो है वो अपना
कोर्सेज सेल करता है किसी को पढ़ाने के लिए। अगर आप भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चला रहे हैं जहां पर आप अपने बच्चों को टारगेट करके ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं LMS के थ्रू, एक अपना खुद का डेडिकेटेड कोचिंग ऐप बनवाकर या फिर डेडिकेटेड वेबसाइट बनाकर कोर्सेज सेल करना चाहते हैं, तो LMS कोचिंग के साथ आप भी टच में आ सकते हैं और देख सकते हैं ये एप्लीकेशन जो है, ये वेबसाइट जो है LMS के द्वारा बनाई गई है और LMS एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है डेडिकेटेड कोचिंग एप्लीकेशंस के मामले में। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपका बिजनेस टाइप क्या है। तो बिजनेस टाइप क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड बिजनेस वाली कैटेगरी को चूज करेंगे जिसमें प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन मिल जाता है, पार्टनरशिपिंग का ऑप्शन है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, बहुत सारे वास्ट वैरायटी के यहाँ पे आपको ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल्स को चूज कर सकते हैं, लेकिन आज का जो सीन है हमारा उसमें हमारा जो यूजर है वो रजिस्टर्ड बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे, तो हम प्रोप्राइटर वाले ऑप्शंस को यहाँ पर चूज करके देन हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोप्राइटर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोप्राइटर एग्जैक्टली हम कहते किसे हैं। तो MSME सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, उद्योग आधार अगर आपके पास है, तो आप प्रोप्राइटर की कैटेगरी में माने जाते हैं और एज ए प्रोप्राइटर आप किसी भी पेमेंट गेटवेज या किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन अपने आप को कर सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है पैन नंबर ऑफ प्रोप्राइटर, आपका जो पर्सनल पैन नंबर होगा ना वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अब जैसे ही आप अपना पैन कार्ड का डिटेल मांग देंगे, यहाँ पे भर देंगे, उसके बाद आपसे ये बिजनेस का रजिस्टर्ड नेम पूछेगा, जो भी आपके प्रोप्राइटर वाले सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन है आपका ट्रेड नेम एज इट इज यहाँ पर आपको टाइप या पेस्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर प्रोप्राइटर किसे मानता है ये, तो अगर आपके पास शॉप एस्टेब्लिशमेंट का सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, MSME है तो आप डाल सकते हैं, GST सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इन सभी को प्रोप्राइटर्स की कैटेगरी में ये रखता है। अब हमारे केस में जो हमारा प्रोप्राइटर डिटेल्स है हम उद्यम सर्टिफिकेट से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे यूजर का, देन हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये जो बिजनेस नेम है ना, जब आपका किसी को इनवॉइस जाएगा तो इसी नेम से आपकी इनवॉइस जो है वो बच्चों तक या फिर यूजर्स तक जाएगा और आपका ब्रांड नेम का जो नेम है वो सर्कुलेट होता रहेगा। अब यहाँ पर ईमेल मांग रहा है तो यूजर का जो भी ईमेल है वो डाल देना है यहाँ पर, और ध्यान दीजिएगा कि यूजर का ईमेल हमेशा यहाँ पर एंटर करें। कई बार लोग क्या करते हैं नॉट नाउ पे क्लिक करके आगे सोचते हैं बाद में हम डाल देंगे और रिजेक्शन हो जाता है तो नंबर से लॉगिन नहीं हो पाता है, उस टाइम पे आपको गूगल या फिर ईमेल से लॉगिन करना पड़ता है, तो इस केस में आप लॉगिन कर ही नहीं पाते, तो यहाँ पर अपना ईमेल जरूर डालिएगा। जैसे ही आप अपना यहाँ पर डिटेल को एंटर कर देते हैं, OTP अपना ऑथेंटिकेट कर लेते हैं ईमेल की, उसके बाद ये कंप्लीट KYC के ऊपर आपको लेकर सीधा चलाएगा, जहाँ पर ये आपके KYC से रिलेटेड चीज़ों को मांगेगा, जिसमें कि आपका बिजनेस एड्रेस हो गया, बैंक डिटेल्स हो गया, GST डिटेल्स अगर आपके पास है तो वो हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हो गया, बिजनेस पॉलिसीज और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपसे मांगता है। तो सबसे पहले हम बिजनेस एड्रेस को यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं, जो कि आपके आधार पर मेंशन होगा, एज इट इज़ यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। जैसे ही आप अपना यहाँ पर बिजनेस डिटेल डाल देंगे, यानी कि जो भी आपका एड्रेस है वो डिटेल्स डाल देते हैं, ये आपसे फिर बैंक की डिटेल मांगेगा। बैंक के डिटेल्स में आपको यहाँ पर जो अकाउंट नंबर है और IFSC कोड है वो यहाँ पर एंटर करना होता है। बैंक डिटेल्स को एंटर करने के बाद अब आपको GST वाले डिटेल्स के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, अगर आपके पास GST है तब तो आप GST का नंबर डाल देंगे, और अगर नहीं है आपके पास GST नंबर तो I don't have GST IN yet के ऊपर हम क्लिक करके यहाँ पर डन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि 20 लाख से अगर कम का टर्नओवर है आपका तो GST मैंडेटरी नहीं है और आपको GST रजिस्ट्रेशन कराने की उस केस में ज़रूरत नहीं है। हालांकि बिजनेस स्टार्ट करना है तो आगे चलकर GST रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइएगा, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में यहाँ पर आपका आधार ऑथेंटिकेट करने के लिए मांगेगा, तो हमें आधार यहाँ पर डिजिटली जो है वो ऑथेंटिकेट करने को चूज कर लेंगे और आधार वाली डिटेल्स डालकर देन हम आपको आगे का हिस्सा दिखाते हैं। डिटेल्स शेयर्ड फ्रॉम डिजी लॉकर एक्सेप्ट हो चुका है। अब बिजनेस डॉक्यूमेंट में आपका जो भी पैन कार्ड है वो एक तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा और आपका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो MSME वाला था हम वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो उद्यम सर्टिफिकेट के ऊपर हम क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर PDF, JPG और PNG फॉर्मेट को यहाँ पर सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ पर अपना जो PDF होगा वो अपलोड कर लीजिएगा और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपका ये पैन कार्ड का जो पिक्चर मांग रहा है, फ्रंट राइट के आपके पैन कार्ड का फोटो आपको खींच लेना है और उसे यहाँ पर चूज कर देना है।
हम यहाँ पर चूज करके अपलोड कर लेते हैं, देन आगे प्रोसीड करके कंटिन्यू कर लेते हैं। कैटेगरी जो बिजनेस की होती है आज वाले केस में एजुकेशन और ई लर्निंग के सेक्शन में जाएगा, और ये एलएमएस का काम है क्योंकि टीचिंग का प्रोग्राम है, तो हम यहाँ पे एलएमएस को क्लिक करके डन कर देंगे। और बिजनेस पॉलिसी मांग रहा है, यानी कि हमारा जो भी वेबसाइट्स का पॉलिसी का पेज है वो यहाँ पर हमें एंटर करना होगा। और शिपिंग एंड डिलीवरी पॉलिसी मांग रहा है, शायद उसका यहाँ पर डिटेल्स जो है वो ग्रैब नहीं कर पाया, तो हम शिपिंग पॉलिसी के ऊपर क्लिक करके देन हम यहाँ पर जो शिपिंग पॉलिसी मांग रहा है रिमेनिंग पेज ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम उसे ऐड कर देंगे। तो ये वहाँ से आपका कलेक्ट कर लेगा, वेरीफाई कर लेंगे हम इसे, आपकी वेबसाइट को विजिट करता है ये मैनुअली ऑटोमेटिकली, और आपका जो वेरिफिकेशन है वो आपकी वेबसाइट का पूरा हो जाता है। तो इसके हिसाब से ये सही नहीं है, तो हम क्रिएट मिसिंग पेज के ऊपर क्लिक करके क्रिएट पॉलिसी पेज कर देंगे और पब्लिश पेज विथ रेजर पे के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा बिजनेस डिटेल जो भी था वो सबमिट हो गया है, जीएसटी डिटेल सबमिट हो गया है, बैंक डिटेल्स के ऊपर क्लिक दिख रहा है आपको। अब हम सबमिट केवाईसी के ऊपर यहाँ पर दोस्तों क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो फॉर्म है दोस्तों वो सबमिट हो चुका है यहाँ पर, और आपका जो केवाईसी है वो अंडर रिव्यू है इसका इस वक्त। और ये जो परसेंटेज देख रहे हैं, कभी 65% कभी 95% आपकी कंडीशन में ये दिखा सकता है, और इस पर आप जब क्लिक करेंगे ना तो वापस ये आपको वही केवाईसी वाले फॉर्म पर लेकर आ जाएगा। तो 1 से 2 दिन का समय इसमें आपको लगभग लग जाता है आपकी केवाईसी कंप्लीट होने पर, उसके बाद आप अपने वेबसाइट्स और एप्लीकेशन के ऊपर पेमेंट्स को ले सकते हैं। अब अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो या कोई डाउट्स हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो मैसेज या कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपका जवाब दे दूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।